मेरे अति प्रियो, यीशु के नाम से मैं अभिवादन करता हूँ। प्रभु यीशु आज एक चमत्कार आपके लिए करेगा। आज आपके अद्भुत काम की जरूरत है, काम में, पढ़ाई में, बिजनेस में आज एक चमत्कार की जरूरत है। प्रभु यीशु ही इस चमत्कार को आपके लिए करेंगे, लेकिन आपके लिए एक काम करना होगा। क्या है? सबोपदेशक 9:10 में, जो काम तुझे मिले उसे अपनी शक्ति भर करना। आपके जो भी जिम्मेवारी मिली, सबसे छोटी सी जिम्मेवारी है, सबसे छोटी भी काम है, उसके पूरे जिम्मेवारी से पूरा करना है। छोटी सी बिजनेस है उसको भी, छोटी सी सेवा उसको भी पूरी जिम्मेवारी से आप ध्यान से करना है। जब पूरे बल से, शक्ति से अपने कार्य पर ध्यान देंगे तो परमेश्वर आपको जरूर उन्नति आशीष को देंगे। मैं एक बार ऑस्ट्रेलिया में सिडनी शहर में गया था। वहाँ एक जवान से मिला, वो दक्षिण कोरिया के हैं, अच्छे बड़े धनवान थे। उनके काम के बारे में मैंने उनसे पूछताछ किया। वो अच्छा से पढ़े लिखे जवान है, यहाँ काम करने के लिए, ढूंढने के लिए यहाँ आए थे। उन्होंने सोचा अच्छा काम मिलेगा, अच्छा तनख्वाह मिलेगा, लेकिन सारे कंपनी उनकी ऊंची पढ़ाई के लायक काम नहीं था, इसलिए उनको रिजेक्ट किया। इसलिए उनका हाथ में जितने भी पैसे थे वो पैसा भी पूरा खर्चा हो गया है। अभी उनको जीने के लिए कुछ भी नहीं है। उन्होंने सोचा मैं आत्महत्या करना, काम नहीं मिल रही। लेकिन वहाँ एक चर्च था, वो चर्च में जाके ये यीशु तू मुझे मदद करना है, ऐसे उन्होंने विनती किया। जब उन्होंने विनती किया तो उन्हें लगा बोझ थोड़ा हल्का हुआ है। देखिए उन्होंने प्रभु से ऐसे विनती की, मेरे लिए प्रभु उचित काम को, लेकिन अपने मर्जी से तू देना है, ऐसे विनती किया। एक कंपनी में उनको कूली का काम मिला, लेकिन इनके पढ़ाई मैनेजर की पढ़ाई, लेकिन इनको कूली का काम मिला। लेकिन पूरे शक्ति से और आनंद के साथ गीत गाते हुए, प्रभु का धन्यवाद देते हुए उस काम में पूरे ध्यान से, जिम्मेवारी से उन्होंने किया। वहाँ का मैनेजर ने इस जवान पर ध्यान दिया। इस जवान इतने काम को अच्छा से करता, अपनी जिम्मेवारी को सही समय में पूरा करता है। इस जवान की पढ़ाई तो इतनी ऊंची पढ़ाई, लेकिन इतना कूली के रूप में आनंद के साथ अच्छा से करता है। ध्यान से देखने के बाद उस मैनेजर ने उस जवान को बुलाया और उनसे कहने लगा, मैं एक बिजनेस करने वाला हूँ, क्या इस बिजनेस में तुम मेरे साथ पार्टनर के रूप में आ सकता है? उन्होंने ऐसे उनसे पूछा। तो ये जवान ने कहा, मेरे पास पार्टनरशिप के लिए पैसा नहीं। उन्होंने कहा, आपकी मेहनत की इतनी ज़रूरत है, मैं पूरे पैसा लगाऊंगा। तो दोनों पार्टनर के रूप में हो गए। इतना कड़ी मेहनत किए हैं, बिजनेस में आगे बढ़ते गए और परमेश्वर के लिए उन्होंने और धन को भी दिए हैं और प्रभु के लिए काम भी किए हैं। दिन प्रतिदिन उनका बिजनेस इतना बढ़ते गया। एक दिन उस ओनर ने उनको बुलाया था और कहा, मेरे पास दो बिजनेस है, इस बिजनेस को आप ही रख लेना। तब ये भी इस बिजनेस का मालिक बन गए। उस व्यक्ति से मैंने मिला था, उस व्यक्ति अपने घर में ले गए और उन्होंने कहा, परमेश्वर ने, मैं एक व्यक्ति आत्महत्या करने वाला था, लेकिन प्रभु ने एक छोटे से काम दिया, मैं उसमें विश्वास योग्य रहा। प्रभु ने आशीष को दिया है, एक बड़े मालिक रूप में रखा। बहुतों को मैं तनख्वाह देता हूँ और बहुत लोग इसके द्वारा आशीषित है। तो प्रभु ने मुझे एक छोटे से पद से प्रभु ने अभी ऊंचे पद में लाया है। मेरी पढ़ाई इतनी ऊंची पढ़ाई, मैं ये काम नहीं करूँगा, मैं ये सेवा को, छोटी सी सेवा को नहीं कर सकता हूँ, ऐसे नहीं कहना। जो भी हाथ में मिलता उसको पूरे ढंग से करना है, तो उचित समय पर परमेश्वर आपको ऊंचे स्थान रखेंगे, तो प्रभु आशीष देंगे। यीशु छुड़ाता सेवा एक आंगन में जो है शुरुआत हुआ, उसी को मैंने अच्छा से झाड़ू करता था और पोछा करता था। छोटी सी सेवा को अच्छा से करने से परमेश्वर आज इतनी बड़ी महाविशाल के रूप में इतने सेवा को प्रभु ने दी है। जो कुछ प्रभु आपको दिया है उसको पूरे बल से करना। प्रार्थना करें, इसके बाद जो कुछ काम मिलता बिना कुटकुड़ाए, बिना कठोर मन के साथ, प्रभु जो भी काम दिया है उसको मैं पूरे शक्ति से, पूरे मन से, पूरे दिल से उसको करूंगा, तो परमेश्वर उस कार्य को देख जरूर आपको आशीष देंगे। हे प्रभु, इस बेटा बेटी को तू जिम्मेवारी दी है,
पूरे शक्ति से करने के लिए इन्हें अनुग्रह देना प्रभु, तू आशीष देना। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं पिता, आमेन आमेन।